सैलरी कभी भी नहीं आती, चेंजेस इन इक्विटी में, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट का पार्ट। विच इज द डायरेक्ट कॉस्ट टू अ मैन्युफैक्चरर? मैन्युफैक्चरर के लिए डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है? डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको इजिली ट्रेस कर सकते हैं। कौन सी कॉस्ट है भाई? 27 का सी बता रहे, डायरेक्ट कॉस्ट सही है भाई। क्लीनर जो है वो तो इनडायरेक्ट होती है, क्योंकि क्लीनर को ट्रेस नहीं कर सकते। एक यूनिट बनाने के लिए क्लीनर को कितने पैसे दिए? सुपरवाइजर का भी टाइम ट्रेस नहीं हो सकता, ये भी ओवरहेड है, ये भी इनडायरेक्ट लेबर है। मशीन ऑपरेटर हमारा डायरेक्ट लेबर होता है, मजदूर डायरेक्टली काम कर रहा है प्रोडक्ट को बनाने में, तो मशीन ऑपरेटर को नॉर्मली हम पैसे देते हैं पर यूनिट के हिसाब से। सेल्समैन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है, वो तो सेलिंग कॉस्ट है, सही है ना? डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है।